हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे ओरिजिनल स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीएमई इंटर में से कॉस्ट अकाउंटिंग मॉड्यूल में से जॉइंट एंड बैंक प्रोडक्ट चैप्टर में से इलस्ट्रेशन नंबर 41 के बारे में। ओके, तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 ज्वाइंट प्रोडक्ट है। ओके, यहाँ पे ज्वाइंट प्रोडक्ट का जो कुछ भी ज्वाइंट कॉस्ट है उसका भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ज्वाइंट कॉस्ट है 8,29,600 रुपीज़। ओके, यहाँ पे कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लिखे हुए कि भी ई प्रोडक्ट का 5 लाख लीटर आउटपुट इनकर हो रहा है, बी प्रोडक्ट का है 10,000 लीटर, सी का है 5,000 लीटर एंड डी का है 9,000 kg। ओके, उसके बाद में क्या इन्फॉर्मेशन लिखे हुए कि भी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पे भी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखे हुए, प्रोडक्ट ई के लिए कॉस्ट कितनी इनकर हो रही है कि भी 2,40,000 रुपीज़, बी के लिए 48,000 रुपीज़, सी के लिए कुछ भी नहीं है, डी के लिए 8,030 रुपीज़। ओके, जो कुछ भी हमारा सेल्स हो रहा है उसके एट दिस स्प्लिट ऑफ के बाद में पॉइंट के बारे में बाद में जो कुछ भी एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर हो रही है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पे क्या लिखा है उसके बाद में कि भी जो कुछ भी हमारी प्रोडक्ट है ये इंटरमीडिएट पॉइंट पे भी सेल हो सकती है। इसका मतलब है कि भी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे भी सेल्स सेल हो सकती है। ओके, कि भी यहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग ना करे तो भी उसकी जो कुछ भी सेल्स वैल्यू है, तो यहाँ पे हमको 2 वैल्यू दी हुई सेलिंग प्राइस की भी फिनिश प्रोडक्ट की, इसका मतलब है कि फर्दर प्रोसेस के बाद में एंड एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे भी कितने ही उसके भी यहाँ पे हमको सेलिंग प्राइस दी हुई है। ओके, तो हमारे पास जो कुछ भी आउटपुट है उसको इस सेलिंग प्राइस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पे हमारे जो कुछ भी इंटरमीडिएट प्राइस है वहाँ उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल्स कितना है वो मिल जाएगा एंड फाइनल वैल्यू जो कुछ भी है सेल्स की। ओके, कि भी आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग तो यहाँ पे आउटपुट को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिनिश प्रोडक्ट प्राइस से। ओके, तो हमको उसके भी वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है वो देख लेते हैं कि भी कैलकुलेट द प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट एलोकेटिंग ज्वाइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेट रिलाइजेबल वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है पर कैसे कि भी नेट रिलाइजेबल वैल्यू के बेस पे। ओके, इन बाद में क्या लिखा हुआ है कि भाई हमको जो कुछ भी विथ एंड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, तो यहाँ पे हमको फर्दर प्रोसेसिंग के बाद में बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग पे हमारे जो कुछ भी सेल्स है उसके जो कुछ भी प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितना सेल्स हो रहा है उसका हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग हमारे कितना प्रॉफिट मिल रहा है वो फाइंड आउट करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। ओके, कि भाई कितना सेल्स इंक्रीज हो रहा है एंड कितना एडिशनल कॉस्ट हमको इनकर हो रहा है, इन दोनों को हम डिफरेंस करेंगे तो हमको एडिशनल प्रॉफिट हो रहा है या फिर एडिशनल लॉस हो रहा है उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके वजह से हम रिकमेंडेशन भी कर सकेंगे कि किस प्रोडक्ट के लिए हमको फर्दर प्रोसेस करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। ओके, पर ये सबसे पहले हमको यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि भी नेट रिलाइजेबल वैल्यू किसे कहते हैं। ओके, कि जिसके बेस से हमको ज्वाइंट कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ पे नेट रिलाइजेबल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें उसके बारे में भी यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन लिखे हुए कि भी हमारा जो कुछ भी सेल्स एट फाइनल स्टेज, इसका मतलब है कि हमको यहाँ पे क्वेश्चन में आउटपुट दिया है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे फिनिश प्रोडक्ट के जो कुछ भी हमारे पास प्राइस है उसके। ओके, तो हमको सेल्स एट फाइनल स्टेज पे हमको सेल्स मिल जाएगा। ओके, चलिए उसमें से हम कौन सी इन्फॉर्मेशन लेस करेंगे तो हमको नेट रिलाइजेबल वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टिमेटेड प्रॉफिट मार्जिन, आपको यदि फर्दर प्रोसेस के बाद में एस्टिमेटेड प्रॉफिट मार्जिन दिया हो तो वो लेस करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया होगा तो वो लेस करेंगे, या फिर पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट। अच्छा, इसका मतलब है कि भी हमको जो कुछ भी फर्दर प्रोसेस करने के लिए एक्सपेंसेस हो रहे एडिशनल एक्सपेंसेस वो लेस करना है। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, यहाँ पे लिखा हुआ था कि भाई हमको कौन सी इन्फॉर्मेशन दी हुई, यहाँ पे लिखा था फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये हमारे पास क्वेश्चन में है। ओके, तो हमारे पास जो कुछ भी सेल्स मिलेगा उसमें से हम ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस करेंगे तो हमको नेट रिलाइजेबल वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है
प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ओके, तो उसके लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले सेल्स लिख दिया है कि भाई सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो हमारे पास जो कुछ भी आउटपुट है प्रोडक्ट ए बी सी एंड डी का, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कौन सी प्राइस से, कि भाई यहाँ पे हमको लिखा हुआ था फिनिश प्रोडक्ट की प्राइस से। ओके, तो हमको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट वाले कॉलम मिल जाएगी। ओके सॉरी, फर्स्ट वाले रो मिल जाएगी कि भाई ए प्रोडक्ट के लिए आएगा 9,20,000। हमारे पास जो कुछ भी ई प्रोडक्ट का आउटपुट है 5 लीटर्स, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है सिंपली 1.84 से। तो हमको प्रोडक्ट ई के लिए सेल्स मिल जाएगा 9,20,000 रुपीज़। अब इस प्रकार से बी के लिए हम कैसे करेंगे कि भाई बी का आउटपुट है 10,000 लीटर, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी पर यूनिट प्राइस से कि भी 8 रुपीज़ है। ओके, तो इस प्रकार से हमको बी का भी मिल जाएगा 80,000 रुपीज़। ओके, तो आप इस प्रकार से सी एंड डी का भी फाइंड आउट कर लीजिए। ओके, चलिए अब हम आगे बात करते हैं सेपरेट कॉस्ट, मतलब कि फर्दर कॉस्ट। ओके, तो ये भी हमको क्वेश्चन में दी हुई है कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लिख के। ओके, ए बी एंड डी की दी हुई, सी की नील है, उसके लिए हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। ओके, तो चलिए अब हमारे पास सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है, उसमें से हम सेपरेट कॉस्ट निकाल देंगे। तो हमको क्या मिलेगा कि भी सेल्स एट स्प्लिट ऑफ, मतलब कि ये हमारी बन जाएगी नेट रिलायजेबल वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे हमको ए प्रोडक्ट की मिली है 6,80,000, बी की है 32,000, सी की भी है 32,000 एंड डी की है 2,32,000 रुपीज़। ओके, चलिए अब हम जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में जॉइंट कॉस्ट कितना दिया है कि भाई 8,29,600। ओके, उसको हम नेट रिलायजेबल वैल्यू के बेस पे हमको अपोर्शन करना है। ओके, तो वो कैसे करेंगे कि भाई सबसे पहले हम हमारे जॉइंट कॉस्ट लिख दें कि भाई 8,29,600। ओके, प्रोडक्ट ए की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कुछ भी एनआरवी कितना है प्रोडक्ट ए का कि भी यहाँ पे लिखा हुआ है 6,80,000। ओके, उसको हम डिवाइड किससे करेंगे कि भाई टोटल सेल्स से, तो वो कितना है 9,76,000। ओके, तो यहाँ पे भी हमने ए पुट कर दिया है, जॉइंट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मतलब कि एनआरवी ऑफ प्रोडक्ट ए डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। ओके, तो हमको क्या मिल जाएगा कि भाई प्रोडक्ट ए के लिए हम जॉइंट कॉस्ट कितनी अपोर्शन करेंगे उसके बारे में हमको अमाउंट मिल जाएगी कि 5,78,000 रुपीज़। ओके, इस प्रकार से हम बी के लिए क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे सिंपली चेंज कर देंगे, सॉरी यहाँ पे हमने 32 लेख लिख दिया है, केवल 32,000 लिखना है। ओके, तो यहाँ पे जॉइंट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय टोटल जॉइंट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे ए का स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल्स कितना है कि भी 32,000 डिवाइड बाय टोटल सेल्स 9,76,000। ओके, तो हमको क्या मिलेगा कि भी 27,200 रुपीज़। ओके, इस प्रकार से प्रोडक्ट सी के लिए भी हमको यही प्रोसेस फॉलो करनी है, यहाँ पे भी आपको 32,000 लिखना है। ओके, एंड लास्ट में यहाँ पे कितने लिखना है कि भाई कितने लिखा हुआ है 2,32,000। ओके, यहाँ पे भी 10 एड एक्स्ट्रा हो गया है, तो आप इसको इग्नोर कीजिए। ओके, तो यहाँ पे केवल यही जो कुछ भी है हमारे पास सेल्स है उसमें हमको चेंज करना है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सेम ही है। ओके, तो आपको चारों प्रोडक्ट में जॉइंट कॉस्ट कितनी अपोर्शन करनी है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, डन। चलिए अब हम इसके आगे बात करते हैं, हमारे पास जो कुछ भी एनआरवी है उसमें से जो कुछ भी हमारे सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट है उसमें से हम जॉइंट कॉस्ट निकाल देंगे। तो हमको क्या मिलेगा कि भाई हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ओके, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ए बी एंड सी एंड डी का हमको प्रॉफिट मिल गया है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, आगे किसके लिए इंफॉर्मेशन लिखा है कि भाई हमको यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट प्रिपेयर किया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको सेल्स कैसे मिलेगा, सेल्स स्प्लिट ऑफ पॉइंट की भी हमारे पास जो कुछ भी आउटपुट है प्रोडक्ट ए बी सी एंड डी का, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एट इंटरमीडिएट प्राइस से। ओके, तो हमको ये जो कुछ भी हमको सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट है वो मिल जाएगा। ओके,
मैं फर्स्ट वाले के लिए बता देती हूँ कि भाई हमारे पास आउटपुट प्रोडक्ट एक आया 5 लाख, उसको हमने मल्टीप्लाई किया है इंटरमीडिएट प्राइस प्रोडक्ट एक ही है 1.20 से, तो कितने मिलेंगे 6 लाख रुपीज़ मिलेंगे। ओके, तो आप इस प्रकार से बी सी एंड डी का भी फाइंड आउट कर लीजिए। सेल्स एंड जॉइंट कॉस्ट यहाँ पे कौन सी लिखी हुई है, जो हमने अभी अभी ऊपर फाइंड आउट की है वही है। ओके, कि भी 5,78,000, 27,200 बी की है, सी की भी उतनी ही है, एंड डी की है 1,97,200 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे सेल्स में से जॉइंट कॉस्ट निकाल देंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिल जाएगा फॉर द प्रोडक्ट ए, के भी ए के लिए 22,000, बी के लिए 12,800, सी के लिए 4,800 एंड डी के लिए 18,800 रुपीज़। ओके, चलिए अब हमने यहाँ पे लास्ट में कौन सा यहाँ पे कंपैरिजन वाला स्टेटमेंट यहाँ पे हमने प्रिपेयर कर लिया है कि भी हम जो कुछ भी यहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग किया हुआ है वो लिखा हुआ है, उसका सेल्स बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग है उसका भी सेल्स लिखा हुआ है। ओके, एंड बाद में दोनों का डिफरेंस किया है कि भी कितना एडिशनल हमारा सेल्स हुआ है। ओके, तो ए का है 3,20,000, बी का है 40,000, सी का तो कुछ भी नहीं हुआ है। ओके, एंड डी का है 24,030 रुपीज़। ओके, चलिए यहाँ पे हम एडिशनल जो कुछ भी हमारे पास क्वेश्चन में लिखा था कि भी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, वो भी यहाँ पे हमने पुट कर दी है तीनों प्रोडक्ट के लिए, सी के लिए नहीं दी हुई थी। ओके, तो यहाँ पे बाद में हम क्या करेंगे, जो कुछ भी हमारे पास इंक्रीमेंटल सेल्स है उसमें से इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकालेंगे। ओके, तो हमको क्या मिलेगा कि भी एडिशनल प्रॉफिट हमको ए प्रोडक्ट के लिए 80,000 मिला है, डी के लिए 16,000 मिला है, एंड बी प्रोडक्ट के लिए हमको लॉस मिला है 8,000 रुपीज़ का, एंड सी के लिए प्रॉफिट नील है। ओके, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भी ए प्रोडक्ट के लिए एंड हमारे पास डी प्रोडक्ट के लिए हमको फर्दर प्रोसेस करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट इनकर हो रहा है, एंड बी प्रोडक्ट के लिए लॉस हो रहा है, एंड सी प्रोडक्ट के लिए प्रॉफिट नील है, इसलिए इसमें फर्दर प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आप इस प्रकार से इलस्ट्रेशन नंबर 41 सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको इसके अंदर कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछना ना भूलें। मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।